ये बिल्कुल हट रहा है मोदी। अब जुमलेबाज की सरकार नहीं चलेगी क्या? भारत की पूरी जनता चोर है कि वो चौकीदार बन बैठा है? हमने प्रधानमंत्री चुना था, चौकीदार नहीं चुना था। 2024 में भाजपा को सफाया करके दिखाना है। जिसने भारत वर्ष को खोखला करके रख दिया है, वो खोखलापन को हटाने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सफल रहेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ आज पटना में जेडीयू के तरफ से सतर्कता एवं जागरूकता अभियान रैली निकाली गई है, और मेरे साथ जेडीयू की तमाम कई महिलाएं हैं। सुप्रिया जी है, आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या लग रहा है 24 में मोदी को हटाइएगा? जी बिल्कुल हट रहा है मोदी। अब जुमलेबाज की सरकार नहीं चलेगी क्या? भारत की पूरी जनता चोर है कि वो चौकीदार बन बैठा है? हमने प्रधानमंत्री चुना था, चौकीदार नहीं चुना था। अब वो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत की जनता के बारे में सोचे, जो मोर चीता के बारे से ज्यादा हटकर भारत की जनता का परवाह करे। नरेंद्र मोदी ने तो पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया है। अडानी और अंबानी के हाथ के कठपुतली बन के वो रह गए हैं, बस वो जेब भी अडानी और अंबानी की ही भर रहे हैं। तो ऐसे सरकार से हमें मुक्ति चाहिए और 2024 में बीजेपी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या पूरे देश में 24 में मिलेगा देखने? जी बिहार ने देखा, पूरे भारत ने देखेगा। ऐसे अच्छे दिन आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे और उनके नेतृत्व में एक अच्छे दिन का जो वादा है वो पूरा होगा। नीतीश जी सारे वादे पूरे करेंगे और जो भी जुमलेबाजी हुई है उससे देश को मुक्ति दिलाएंगे। देखिए साफ तौर पे तमाम नीतीश कुमार की पार्टी की महिला कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पे उतरी भी है, और भी महिलाएं उनसे बात। मैडम आपका नाम? पूजा शर्मा, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड। जी आप लोग सड़कों पे उतरी हुई है, 24 में लगता है कि बदलाव हो पाएगा जो बिहार से शुरुआत हुई है? बिल्कुल होगा और बिल्कुल ही होगा। ये सब 2024 साक्ष्य बनेगा इस चीज का कि जुमले की सरकार जो है, जिसने भारत वर्ष को खोखला करके रख दिया है, वो खोखलापन को हटाने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सफल रहेंगे। महिला एक कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की, अगर बात करें तो हम, क्या महिलाओं का विश्वास अभी भी बना हुआ है नीतीश कुमार पर? आप अगर इस समय सड़क पर इन महिलाओं को देख रही हैं, तो वो विश्वास के बल पर ही है कि सारी महिलाएं अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के लिए जुटी हुई हैं। साफ तौर पे महिलाओं का जो विश्वास है नीतीश कुमार को लेकर, वो आज भी बरकरार है। तमाम ये जेडीयू की महिला कार्यकर्ता बता रही है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को लेकर आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी दावे और वादे के साथ तमाम जो महिला कार्यकर्ता है इस वक्त पटना की सड़कों पर उतरी हुई है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, रमन राय पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।